आइए तो लास्ट टॉपिक में हम लोग समझे थे कि जो लाइट का नेचर है, पार्टिकल नेचर है, उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वही कॉज होता है उस ऑब्जेक्ट को देखने का, अगर वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। इसके लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की वीडियो मैंने इसके पहले पार्ट टू में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लें अगर नहीं देखा अभी तक आपने, वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। एडू वर्ल्ड चैनल पर आप जाएंगे और वहाँ अगर प्ले लिस्ट में आप देखेंगे फिजिक्स के प्ले लिस्ट में आपको पार्ट टू जो है वहाँ आपको मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अभी देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यह जो है लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि लाइट के डुअल नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर होता है एज वेल एज वेव नेचर होता है। वेव नेचर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, मैंने बताया है आपको, पार्टिकल नेचर ही आप लोगों को पढ़ना है अप टू क्लास 10th, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी के अंदर से पूछे जाते हैं, वेव नेचर से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है उसमें सबसे पहला फेनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने देखा है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है दोनों चीजों को एक्सप्लेन करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज वेल एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यही हम लोगों का प्राइम टारगेट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को दोनों को कवर करना थियोरेटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है समझते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन स्ट्राइकिंग टू अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्ट्राइकिंग कह सकते हैं, फॉल भी कह सकते हैं, फॉलिंग टू अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, कोशिश करेंगे डेफिनेशन को एज इट इज याद करने का, आप लोग खुद से भी डेफिनेशन बना सकते हैं, पर कुछ जो ऐसे वर्ड्स होते हैं बाउंसिंग बैक हो गया, सेंडिंग बैक हो गया, ये सब वर्ड्स स्पेशली जो इस्तेमाल किए जाते हैं इससे डेफिनेशन अच्छा हो जाता है। आप लोग जानते हैं डेफिनेशन क्या होते हैं, डेफिनेशन इज अ कॉम्पैक्ट एंड कॉन्साइज स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट। तो जिस फैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं अगर उसकी डेफिनेशन हमको लिखनी है तो वो कॉन्साइज होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और उसमें जो वर्ड्स का इस्तेमाल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये ध्यान करके आप लोग खुद से भी अपना डेफिनेशन बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि बुक्स का जो डेफिनेशन है या जो डेफिनेशन मैं करा रहा हूं, या आप लोगों को अगर अच्छा लगता है आप लोग खुद से अगर बना सकते हैं सेंटेंस को तो जरूर बनाइए। आइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक हो गया, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन स्ट्राइकिंग थ्रू सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और यह भी कि प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, इस बात को बाउंसिंग बैक को हम लोग यह भी कह सकते हैं सेंडिंग बैक। सेंडिंग बैक क्यों कह रहे हैं, बैक का यहां यूज क्या होगा भी आपको हम समझाते हैं एग्जांपल से। यहां भी आप देख रहे हैं बैक का इस्तेमाल है, यहां पर भी बैक का इस्तेमाल है, बैक का मतलब क्या अभी बताता हूं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हिच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह भी डेफिनेशन अगर आप देते हैं तो यह भी करेक्ट होगा, यह भी डेफिनेशन करेक्ट होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि एक बॉल है, आप लोग घर में बॉल है अक्सर, हम लोग क्या करते हैं बॉल पर एक बॉल को थ्रो करते हैं। घर में अक्सर ऐसा होता है हम लोग के पास हाथ में अगर बॉल हो तो निश्चित है कि हम लोग घर पे या तो फ्लोर पे थ्रो करेंगे या बॉल पे थ्रो करेंगे, ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है, हम लोगों को खेलने की आदत है, बचपन से हम लोगों ने खेला है। तो बॉल को जब हम लोग थ्रो करते हैं किसी बॉल पर तो फिर क्या होता है, क्या वो बॉल पे अटक जाता है, सड़ जाता है? नहीं, क्योंकि बॉल रबर या प्लास्टिक का होता है, तो दोनों ही केस में ये क्या होता है, यहां से बाउंस करता है बैक, ये क्या करता है बाउंस करता है बैक, या फिर ये रीबाउंड करता है, इसी रीबाउंडिंग को हमने कहा बाउंस बैक। बैक का मतलब क्या है कि जिस मीडियम में, ये मीडियम था एयर, इसी मीडियम में इसको थ्रो किए थे और ये क्या हुआ फिर वापस किसी मीडियम आया, एयर, इसी मीडियम में आया, इसलिए हमने कहा बैक, बाउंसिंग बैक। बाउंस मना होता है यहां से टकरा करके वापस आना, और बैक मना उसी मीडियम में आया, इसलिए हमने कहा कि इट बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम, और सीधे कह सकते हैं इट रीबाउंड्स। तो ये रबर बॉल की जगह पर अगर आप सोचिए कि कोई रे है लाइट की और एक हमने मिरर लिया हुआ है, सपोज करते हैं प्लेन मिरर लिया हुआ है, ये हमारा है प्लेन मिरर, ये ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है पर कोशिश कर रहा हूं सीधा बन पा रहा हूं। अगर इस पर कोई रे ऑफ लाइट आता है, सपोज करते हैं एयर मीडियम है,
और ज्यादातर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फेनोमेनन है ये हम लोग को देखने मिलता है एयर के ही मीडियम में। तो लाइट जब एक मिरर के सरफेस से टकराता है तो ये क्या करता है, फिर उसी सरफेस में रिबाउंड कर जाता है या बाउंसेस बैक हो जाता है। इसी फेनोमेना को अगर लाइट के केस में कहा जाए तो ये फेनोमेना हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ वीडियोस को देखते रहे, साथ में शेयर बटन भी दबाते रहे, लाइक बटन भी दबाते रहे अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, और या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फेनोमेना मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बाद की बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हेलो, दिस इज नाशु मुस्ता, दिस इज माय यूट्यूब चैनल रेगुलर वर्ल्ड, डू जॉइन सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन टू फॉलो एंड टू गेट लेटेस्ट अपडेट ऑन योर मोबाइल फोन। थैंक यू।